आज मैं आपको दो ऐसे संतों के बारे में बताऊंगा जो निडरता और उत्साह के साथ ईश वचन को फैलाते रहे। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 15 फरवरी को संपूर्ण कलीसिया संत फौस्टिनुस और उनके भाई संत जोविता का पर्व मनाती है। संत फौस्टिनुस और संत जोविता का जन्म इटली देश के लोम्बार्डी शहर में हुआ था। राजा त्राजन के शासनकाल में संत फौस्टिनुस और संत जोविता निडरता और उत्साह के साथ ईश वचन को फैलाते थे। उनके ईश वचन को सुनकर काफी लोग प्रभावित हुए। इससे राजा त्राजन काफी हैरान हुआ और उन्होंने इन दोनों भाइयों को बंदी बनाने के निर्देश दिए। जब ये दोनों भाइयों को जेल में डाला गया तब वे वहां भी राजा को ईश वचन सुनाने लगे। राजा ने उन पर अत्याचार किए और उन्हें पैसों का लालच देकर भी उनके क्रिस्त विश्वास को घटाना चाहा। लेकिन संत फौस्टिनुस और संत जोविनुस ये दोनों भाई अपने क्रिस्त विश्वास में अटल बने रहे। कलीसिया के दस्तावेजों में इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन संत फौस्टिनुस और संत जोविता के ईश्वरीय वचन फैलाने में एक अहम भूमिका रही है। उनके प्रवचन को सुनकर काफी लोग प्रभावित हुए हैं। राजा हाद्रियन के शासनकाल में जब ख्रिस्तियों पर अत्याचार हो रहे थे तब इन दोनों भाइयों ने साहस के साथ ईश्वरीय वचन को फैलाया। इसीलिए उनको बंदी बनाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। संत फौस्टिनुस और संत जोविता को शहादत मिली। संत फौस्टिनुस और संत जोविता इटली देश के ब्रेसिया शहर के संरक्षक हैं। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत फौस्टिनुस और संत जोविता की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवन में निडरता और उत्साह के साथ प्रभु के वचन को हमेशा फैलाते रहें।